एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे दिल के करीब है, फिल्म का डायलॉग नहीं है। Can you stop yourself and think for a moment how wonderful you are within this given non-niceness of the world that exists between you? आज भी मैं हर बात पे लूजर फील करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। आई जस्ट फील आई वर्क हार्डर व्हेन आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ। आई ऑलवेज फील आई एम नॉट गुड इनफ। जेन्युइनली ये बातें मानता हूँ कि मैं हर चीज में अच्छा नहीं हूं, तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। आई थिंक सबको यार कभी ना कभी हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन जहां पे आप जीरो फील करते हो। आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आई रियली बिलीव कॉन्फिडेंस इज अ वर्स्ट थिंग देन फीलिंग लाइक अ लूजर। आई थिंक एक्सट्रीम्स तो वैसे ही, तो लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज्यादा होती। जब मैं शुरुआत में था तो मुझे एक्टिंग का शौक था, और वो एक्टिंग का शौक ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत होंड हूँ और बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी, ऐसा नहीं था कि मैं टैलेंटेड था। मैं आई वॉजंट दैट गिफ्टेड, यू आर सच अ टैलेंटेड, और दिलीप साहब और सम ग्रेट एक्टर्स, बट मुझे शौक था। और मुझे सबने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे, एक कुत्ता मरा हुआ था, और अर्जुन जी ने कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि यार ये देखा कुत्ता, क्या देखा तुम? तो अर्जुन जी ने कहा उसके पास आ रही है, कैसा सड़ जाता है ना मांस। कृष्ण जी ने कहा उसके चमकते हुए मोती जैसे चमकते हुए दांत नहीं देखे। So in every wrongness and even in death, try to find something nice. And मैं फिर से अपना ही example दूंगा, because I don't know, I feel I could be someone who can give positivity to people to become better, because मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो। बोलते बहुत तेज़ हो और तुम सामने रंग के, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे। और मुझे बहुत बड़े-बड़े लोगों ने बोला कि इनको बताना। And I should have taken. And I say that to everyone. कि यार वो सब ठीक है, लेकिन मुझे acting करने का शौक तो है। वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता रहा। तो मेरे दिल में इस बात का जज्बा था कि मैं एक्टिंग जरूर करूंगा। और ठीक है ना यार, नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता। द थिंग इज दैट या वी आर वेरी क्विक टू जज, एंड आई थिंक दिस जजमेंटल नेचर दैट वी हैव, एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल यंगस्टर्स, से कहानी सुनाऊंगा अर्जुन की लाइफ। मैं कभी इस बात को झुठलाता नहीं, मैं बाहर से मूवी स्टार हूँ और लोग इतना प्यार करते हैं, बट सेम दिक्कतें सबको होती, स्ट्रेस एंग्जाइटी हर चीज होती रहेगी लाइफ के अंदर, और रोजमर्रा की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे की दिक्कत होती है, घर की दिक्कत होती है, छोटी छोटी नौकरी की दिक्कत होती है, और वो कभी कम नहीं है। आप ये मत समझना कि स्कूल में है कॉलेज में कम होगी, कॉलेज में है नौकरी में कम होगी, नौकरी में है शादी में कम होगी, पर बच्चों में नहीं होगी। ऐसा हर जिंदगी में हर कुछ जगह पे स्ट्रेस। एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे दिल के करीब है, फिल्म का डायलॉग नहीं है। कैन यू स्टॉप योरसेल्फ एंड थिंक फॉर अ मोमेंट हाउ वंडरफुल यू आर विद इन दिस गिवन नॉन नाइसनेस ऑफ द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन। आज भी शायद 70 फिल्मों से शायद 30 फिल्में मेरी चली होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस हुई है, और हर बात पे दुख होता है, हर बात पे खुशी होती है, बट वो फिल्म की लाइन अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो वो भी अंत में बिल्कुल बाकी, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ, और ये जिंदगी का फलसफा है। बट एक जगह पे आकर यार ऐसा करना ही पड़ता है जिंदाबाद, कि यार जिंदगी काटनी नहीं है, हमें जीनी है, और अंत में ठीक ही होगा। जो भी आप मानते हैं, भगवान में मानते हैं, खुदा में मानते हैं, गॉड में मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, व्हाटएवर यू बिलीव इन, that force will make it all right.